सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। राशन नहीं मिलने को लेकर पूरे जिले से कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। हर रोज लगभग सभी प्रखंड से ऐसी शिकायत आ रही है और उसी शिकायत के आधार पर उपायुक्त पलामू ने लेस्लीगंज प्रखंड के ढेला गाँव में जांच करने का निर्देश दिया था, जहां एमओ अजीत कुजूर ने पहुंचकर महिला स्वयं सहायता समूह जागृति की ओर से जो जनवितरण प्रणाली का दुकान चलाया जाता है उसकी जांच की। जागृति महिला स्वयं सहायता समूह पर ऐसा आरोप लगाया गया था कि बीते 3-4 माह से वो राशन का वितरण नहीं कर रही हैं और इसके साथ ही साथ वहाँ के आम जनता से उन्होंने ईपॉस मशीन पर अंगूठा भी लगवा लिया था, जिसके बावजूद पावती रसीद तो दे दी गई थी लेकिन लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा था। इसकी शिकायत वहां के स्थानीय मुखिया बालदेव साहू ने उपायुक्त पलामू से की थी। इसके बाद अजीत कुजूर ने जांच की, जहां मौके पर ही जागृति महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुखिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बालदेव साहू प्रत्येक महीने रिश्वत की मांग करते हैं और नहीं देने के बाद वो इस तरह का आरोप मढ़ रहे हैं। जितने डीलर लोग के पास गिरा हुआ था उसका अनाज जब बचा हुआ था सरकार उसको काटती है, मतलब बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए। सुधरेगा, इस महीना पे सुधर जाना चाहिए। अब तो जितना ड्यूज था वो तो सारा खत्म हो गया होगा, तब तो लाभ दुकानदार या तो खरीद के देगा या तो कुछ कहीं से मैं तो मैनेज करके देगा, लेकिन देगा तो जरूर, नहीं देगा तो कार्रवाई होना निश्चित है। का बचा हुआ अनाज जो है आखिर वो किया क्या, उसको सरकार तो भी हिसाब मांग रही है, हम लोग को तो देना है, उसका दुकानदार को ही हिसाब देना है उसको। मामला है मेरा, पूरा कार्डधारी है 250 में ही 10-12 आदमी अथी अंगूठा के कारण है से उन लोग राशन नहीं ले पाए। कुछ तकनीकी कारण हो गया कुछ मशीन के द्वारा, और बालदेव साहब मुखिया जो आए से कह रहे हैं कि 2 महीना के है से इन लोग के ही दीजिए और ना तो 5,000 रुपया दीजिए। ये कह के ही सबके बलगला रहे हैं कि हम कहेंगे तब लेना राशन, बाकी उन लोग का राशन समूचा गोदामे में है। सबके राशन हर महीना मांगते हैं पैसा, हर महीना कहते हैं कि हर महीना हम लोग के ही पैसा दीजिए। कितना पैसा मांगते हैं? 5,000 रुपया मांग रहे हैं। क्या नाम है मुखिया जी? बालदेव साहब। कौन सा पंचायत है? पुरानी पत्रा पंचायत के, इसलिए से तंग करवा रहे हैं। हम लोग महिला ग्रुप हैं, महिला के ही हैं, सब बार बार वो टोर्चर करते हैं, लान लान के ही सबके बलगला रहे हैं, जबकि सब दिना से हम लोग एकदम रोड पर है, फ्रंट पर है, और बार बार हम लोग जब बांटते हैं राशन तब पर भी ऐसे उलान के हम लोग के ऊपर। नहीं, ये सब गलत है। जब हम लोग इनके ऊपर कोई कार्रवाई किए, जब राशन नहीं देना था, पब्लिक हमको फ़ोन करके बोलाए, हम वहाँ स्पॉट पर आए, करीब बहुत 80-90 महिला लोग थे, उन लोग कहे कि हमको 2 महीना से तो 3 महीना से राशन नहीं मिल रहा, तो उनके ऊपर हम कागजी प्रक्रिया किए। अब इनके बाद हम लोग SDMO को दिए, हम लोग वहाँ जिला में एक आवेदन, उस पर कार्रवाई हुआ, इसके चलते उनको जलन हो गया कि हमारे ऊपर ऐसे क्या कर रही, गलत इल्जाम, हम लोग किसी से 5 पैसा मांग नहीं किए हैं। हाँ, आज उनको जलन हो गया कि कार्रवाई कर रहे हैं, इनके चलते उनको जलन है कि हम इनके ऊपर गलत इल्जाम तो लगाए, आरोप लगा रहे हैं वो। हाँ, किसी जनता से पूछ लिया जाए या तो और पंचायत में मेरा डीलर है, कभी भी किसी से कोई पैसा का मैं डिमांड किया हूँ तो किसी से इसका जाँच पड़ताल किया जाए।